शिवसेना सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति के चुनाव पर बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी पदों पर बंपर भर्ती की घोषणा को लेकर संजय राउत ने कहा कि हम पीएम मोदी की इस घोषणा का स्वागत करते हैं। राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने पीएम चुने जाने पर 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा दलितों वंचितों और आदिवासियों का कल्याण भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में कहा आज देश सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। सरकार की हर योजना का लाभ हर किसी को बिना भेदभाव मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचा भारत के विकास का पर्याय बन रहा है, विकास और विरासत दोनों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा संत तुकाराम एक वर्कारी संत और कवि थे जो देहों में रहते थे, जो अभंग भक्ति कविता और कीर्तन के नाम से जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय उन्मुख पूजा के लिए प्रसिद्ध थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पहुंचे थे आदित्य ठाकरे, एसपीजी ने रोका, सीएम उद्धव ठाकरे हुए नाराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र दौरे पर रहे, इस दौरान उनकी सुरक्षा में लगी एसपीजी ने महाराष्ट्र के मंत्री और प्रोटोकॉल मिनिस्टर आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कार से उतरने को कहा। महाराष्ट्र में आज कोरोना का कहर फिर देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में लगभग 3000 मामले सामने आए हैं और 4 की मौत हुई है। पॉजिटिव रेट में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी में देश के ग्रोथ सेंटर बनेंगे महाराष्ट्र के कई शहर। प्रधानमंत्री देश में मानसून की दस्तक के साथ ही स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी खत्म होने जा रही है, कुछ राज्यों में स्कूल खुल गए हैं तो कुछ में खुलने जा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 12 जून से स्कूल खुलेंगे। उप मुख्यमंत्री को बोलने की अनुमति नहीं देना महाराष्ट्र का अपमान, सुप्रिया सुले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पुणे के देहूक में एक मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। सूले ने इसे राज्य का अपमान करार दिया। मुंबई के थाने में बुधवार से जलापूर्ति ठप, कई क्षेत्रों में नहीं आएगा पानी। राहुल गांधी की पेशी पर कांग्रेस नेताओं का विरोध, लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ जारी। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर भी हुई थी कार्रवाई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची पंजाब पुलिस, दिल्ली की अदालत ने दी इजाजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में क्रांतिकारियों की गैलरी का किया उद्घाटन, कहा हमारी आजादी की लड़ाई लोकल भी थी और ग्लोबल भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए संत तुकाराम के अभंग गाया करते थे वीर सावरकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 जून को अयोध्या में होगी पिता पुत्र की जोड़ी, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे 15 जून को जाएंगे अयोध्या रामलला का दर्शन करने। मुंबई से लेकर लखनऊ तक बड़ी सियासी हलचल। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, माहे और लक्षद्वीप में गरज के साथ बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों में होगी भारी बारिश। केंद्र सरकार ने सेना में युवाओं को भर्ती करने के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इससे देश के लाखों युवाओं को सेना में भर्ती होने का सपना साकार होगा। इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। सुख भय पावन